नमस्कार दोस्तों, बड़े न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है अभी, और मुझे अभी मालूम चला, जैसे मुझे कल मालूम चला कि आप लोग एग्ज़ाम चल रहा है, तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जा रहा है। और बेस्ट विशेस टू एवरीवन, अच्छे से एग्ज़ाम देना, कोई बहुत हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक ना। और सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। चार क्वेश्चन आते हैं तो चार के चार अटैम्प्ट करना है। अगर किसी क्वेश्चन कोई किसी को दो ही क्वेश्चन आ रहा है तो वो किसी न किसी और सेक्शन का दो क्वेश्चन ज़रूर टच करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन तुम्हारे टच रहेंगे तो तुम्हारा मार्क्स आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ओके, इसके बाद एक चीज़ और, कॉपी भी भरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉपी नहीं भरोगे, ऐसा जो फैक्ट है फैक्ट लिख दोगे, बातों को घुमाना भी आना चाहिए, क्योंकि उसी से तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो जितना ज़्यादा लंबा खींच सकते हो आंसर को, उतना ज़्यादा लंबा खींचने का ट्राई करना। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा खींच देना, बट ट्राई करना कि हाँ मैक्स टू मैक्स खींचे। अगर आपका 20 to 30 पेज भर रहे हैं तो आप समझना कि आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जा रहा है। तो हमेशा ट्राई करना कि 20 to 30 पेज तुम्हारा भरे। 40 पेज में अगर 30 पेज तुम्हारा भरा हुआ है तब तो तुम माशाल्लाह बहुत ही तुम्हारा मस्त एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन 20 से 30 के बीच में एक एवरेज रहता है कि होगा, उससे कम भी होगा तो ऐसा कुछ मत सोचना कि हाँ भाई मेरा कम हो रहा है, ठीक ना। AKU बहुत अच्छा मार्क्स देते हैं सबको, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दो अच्छे से। बेस्ट विशेष सबको, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अभी, तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।